차별화 돼요. मेरी आपको पुरोला चले चलो पुरोला महाविद्यालय से अगर एक दो हर को लेना आप बता दें टाइम भी जितना धन्यवाद सर। बच्चों को काफी इससे उत्साहवर्धन मिला और काफी एनकरेज हो रहे हैं और आगे भी जो हाईएस्ट पीसेस के लिए स्कीम जो शुरू करें उसमें भी अच्छे से अच्छे आएंगे। मैं आग्रह करूंगा सर से कि आशीर्वचन के रूप में हमें और बच्चों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के आज शुभारंभ दिवस पर उच्च शिक्षा को लगातार प्रदेश के अंदर उसके उन्नयन के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए अपना योगदान देने वाले हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित किया और अभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग में पूरे इसके उपाध्यक्ष के नाते काम करते हैं और लंबे समय तक जिनकी सेवाएं रही हैं अपने शिक्षा देने का काम उन्होंने छात्रों को किया है छात्राओं को किया है आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी उच्च शिक्षा के सचिव श्री शैलेश भगोली जी अपर सचिव उच्च शिक्षा आशीष जी सी डी सूटा जी एवं सभी हमारे यहाँ पर बैठे हुए शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राचार्यगण सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं मैं सबसे पहले तो आज इस उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जा रही है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो आज 241 छात्र एवं छात्राएं जिनको आज इस छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि मिल रही है उनको विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं बहुत शुभकामनाएं देता हूं भविष्य के लिए कि उन सबका भविष्य उज्जवल हो और ये जो योजना प्रारंभ की गई है इस योजना के प्रारंभ करने का जो हेतु है जो कारण है वो कारण है कि हमारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं जिनका जीवन अभाव में आगे बढ़ता है उनके अंदर योग्यता है प्रतिभा है क्षमता है आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में माता पिता की कठिनाई के कारण से वो आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनकी शिक्षा में कोई रुकावट न हो अगर उनके अंदर योग्यता है क्षमता है तो आपके साथ सरकार खड़ी है सरकार आपके लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आपका हर संभव प्रोत्साहन करने के लिए हम तैयार हैं इसीलिए हम ये योजना लेकर आए हैं और ये योजना जैसा अभी माननीय मंत्री जी धन सिंह जी बता रहे थे यहाँ से कि अन्य राज्यों के लोग भी अन्य राज्य भी इस योजना को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं और हम पहले ऐसे प्रदेश हैं
जहां पर इस प्रकार की योजना लागू की गई है। निश्चित रूप से इस योजना के लागू होने से मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप सब लोगों से मैंने कुछ अपने प्रिय छात्र एवं छात्राओं से जो संवाद किया, उनकी परसेंटेज देखकर, किसी की 95 है, किसी की 94 है, किसी की 90 है, 89 है, अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। और ये दर्शाता है कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की है, और आगे भी आप इस परिश्रम को साधते हुए, इस परिश्रम को अपना ध्येय बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और भविष्य में चूँकि आपको बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, यह आपके जीवन की आज एक तरह से मैं कहूँ तो 10th 12th तक पढ़ते पढ़ते बहुत बार पता नहीं लगता है कि हम किस क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हमारे शैलेश जी यहाँ बैठे हैं, IAS अधिकारी हैं, आशीष जी बैठे हैं, इन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम 12th और 10th तक कहाँ जाएंगे। हम लोग भी नहीं सोचते थे कि हम लोग, मैं, धन सिंह जी, कि हम लोग क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। लेकिन सही मायने में हमें क्या बनना है, ये 12th पास करने के बाद ही जो है हमको एक दिशा मिलती है कि हमको अब किस दिशा में जाना है। अब आपको जीवन के बहुत सारे मुकामों को हासिल करना है, बहुत सारे मुकामों को तय करना है, बहुत सारे लक्ष्य जो आपके सामने हैं उन लक्ष्यों को साधना है, उन लक्ष्यों को पूरा करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ सरकार आपके लिए कर रही है, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आगे पढ़ने का एक रास्ता दिया, और गुरुजन जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उनके लिए आपके मन में श्रद्धा हो, आदर हो, और उनके श्रद्धा आदर को आशीर्वाद मानते हुए अपने लिए हम जीवन में अगर जो भी रास्ता हम तय करें, उस रास्ते को साधने के लिए अपना संपूर्ण तरीके से पूरे मनोयोग के साथ काम करें, पूरा मनोयोग के साथ हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, और जहाँ पर रहें हम उस समय केवल उसी के बारे में सोचें। कई बार होता क्या है कि हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा उसमें मन नहीं लगता है, खेलने जाते हैं तो लगता है कि घर में रहना चाहिए, घर में रहते हैं तो हमको लगता है बाहर रहना चाहिए, क्लासरूम में जाते हैं तो लगता है कि बाजार में होना चाहिए या मेरे दोस्तों के साथ होना चाहिए। तो मन को एकाग्र करके अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बिल्कुल साध्य मानते हुए कि ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे, और भगवान पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए कि भगवान निश्चित रूप से हमको जो है हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन हमको आशीर्वाद देंगे, ये हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। जीवन में देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना हम शुरू कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर भी जिन लोगों ने एक मुकाम बनाया है, एक इतिहास बनाया है, साधारण से असाधारण की जिन्होंने यात्रा की है, उन सभी लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है या उनका जन्म है वो बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ है, अभाव में हुआ है। चाहे हम आज प्रोफेसर कलाम का उदाहरण ले लें, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप सब लोगों ने सुना है, जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, हम उनको मिजाइल मैन के नाम से जानते हैं, हम उनको चाचा कलाम के नाम से जानते हैं। उन्होंने विजन 2020 जो हमारे सामने रखा था उस समय कि कैसा भारत आने वाले समय में होगा, उस भारत की परिकल्पना करी थी, और एक सामान्य से मछुआरे के घर में पैदा होकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया था। उनके जीवन को हम देखेंगे तो बहुत साधारण स्थितियों में पैदा हुए। दुनिया के और भी बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो अभाव में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी मंजिलों को प्राप्त किया है, असाधारण काम किए हैं और दुनिया में इतिहास बनाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन बहुत ही कष्टों में और बहुत संघर्षों में बीता, बहुत कठिनाइयों में बीता, और आज वो भारत के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में आज हमारे भारत की चहुओर विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारा नाम हो रहा है, मान सम्मान दुनिया के अंदर पहचान बढ़ रही है। अभी मैं कल रक्षा मंत्री जी के साथ था दिन में, तो वो इंग्लैंड का दौरा करके आए, उससे पहले मैं भी इंग्लैंड गया था, तो वहाँ के जो मंत्री मुझे मिले तो वो जब भारत की प्रशंसा कर रहे थे,
हमारे द्वारा जो जिस प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान भारत ने जिस प्रकार का एक मैनेजमेंट किया, जिस प्रकार की व्यवस्था की, उसकी चारों ओर पूरे विश्व ने सराहना की, क्योंकि पूरी दुनिया ये कोरोना महामारी में हमको ये मानती थी कि कोरोना महामारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर देगी और केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए संकट पैदा कर देगी। ऐसे समय में यहाँ पर सबको वैक्सीन लगाने का काम, निःशुल्क रूप से वैक्सीन देने का काम, गरीब लोगों को अन्न पहुँचाने का काम और दुनिया के दूसरे देशों को भी अन्न देने का काम और वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया, उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। और रक्षा मंत्री जी कल मुझे कह रहे थे कि अब भारत की जिस प्रकार से विकास भारत का बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से एकदम से इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, आज हम दुनिया के पांचवें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके ही आगे ये 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो पूरी दुनिया के लोगों का आज जो है हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, हमें देखने का एक सम्मान बढ़ा है। तो आज इतने सारे काम उनके नेतृत्व में हो रहे हैं और हम उत्तराखंड के लोग भी आज हमारे बारे में भी, उत्तराखंड के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा, उन्होंने केदारनाथ जी की पवित्र धरती से पहली बार कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये जो शब्द हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, वहीं हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं कि तीसरा दशक 21वीं सदी का उत्तराखंड का दशक बनाना है तो उसमें हमारे सभी छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। जो ये अमृत काल है, आने वाला 25 साल यानी कि 2047 तक का हम कैसा भारत, विकसित भारत जो हमारा बनाने का संकल्प है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? हम अपना योगदान दे सकते हैं जो भी हमारे सामने अभी काम है उस काम को पूरी मेहनत के साथ करें, पूरे परिणाम के साथ करें, पूरे जो है मनोयोग के साथ करें और उसका अच्छा रिजल्ट लाएं। तो निश्चित रूप से हम अपने अपने क्षेत्रों में अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी पूरा होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का भी दशक होगा और भारत विकसित भारत भी बनेगा। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और ये योजना हमारी बहुत बड़ी योजना है जिसके बारे में अभी बताया है, हमने इसको शिक्षा भी, उच्च शिक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा में भी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए भी इस योजना को हमने तय किया है कि ये योजना उनको भी लागू होगी, सब पर, सभी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को हम लाए हैं। एक बार फिर से मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अनेक क्षेत्रों को, अनेक विषयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एक लंबी लकीर अपने जीवन में आप लोग तय करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, धन्यवाद।